देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डिज़ाइन जो है किस तरीके से किया गया है कि वो डाइजेस्टेड फूड को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, डाइजेस्टेड फूड को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। देखो, क्वेश्चन अगर हम एक फ्लो में रीड करें तो ये क्या कहता है कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, है ना। एब्जॉर्प्शन की बात की गई है, डाइजेस्टेड फूड पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए जो डिजाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो किस तरीके से हेल्प करता है, इसको देखना है। आंसर को स्क्रीन पे दिखाता हूँ, फिर हम वहीं पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आंसर स्क्रीन पे है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विली। देखो क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना उस पे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि इन स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया। अब देखो, सरफेस एरिया का इंक्रीज होना मीन्स एब्जॉर्प्शन का क्या होना, फास्ट होना। एब्जॉर्प्शन का क्या होना, फास्ट होना। देखो, अगर हम क्या करें, एक गिलास पानी को एक छोटी सी जगह पे गिराएं, स्मॉल एरिया पे गिराएं, तो एब्जॉर्प्शन होने पे टाइम लगेगा। अगर हम पूरे ही फर्श पे फैला दे, बहुत बड़े एरिया पे फैला दे, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे भी है कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स होने के बाद, विली जैसे स्ट्रक्चर्स होने के बाद, ये विली क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया। क्या कर देती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज। और जिसकी वजह से क्या होता है कि विच मेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मोर एफिशिएंट, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो ज्यादा एफिशिएंटली होता है, ज्यादा एफिशिएंटली होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। किसकी, फूड के डाइजेस्टेड डाइजेशन के बाद उसके एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि देखो, अब विली में ना, विली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है ना, उसको ब्लड स्ट्रीम तक कैरी करके ले जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम तक कैरी करके ले जाती हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि देयर आर मैनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द विली एंड दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। और ये विली क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड और कैरी करके इसे, किसको, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करके ब्लड स्ट्रीम तक ले जाती है। कहाँ तक, ब्लड स्ट्रीम तक। उसके बाद क्या होता है, अब देखो क्या है, अब ब्लड स्ट्रीम के पास चला गया है डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया, ब्लड स्ट्रीम के पास, और किसकी हेल्प से गया, विली की हेल्प से, है ना। अब क्या होगा, अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम की वजह मदद से शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे आगे लास्ट लाइन को यहीं पे फिनिश करना है कि देन द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो किसको डिलीवर किया जाएगा, हर एक सेल बॉडी का